जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। बड़ी खुशखबरी आई है, इन सभी का बनेगा, जल्दी ये काम करा लो। अभी अभी सीएम ने ऐलान किया है, खुशखबरी है, फैमिली आईडी के आधार पर बीपीएल ओपीएच कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं। राज्य सरकार ने फैमिली आईडी में लोगों द्वारा दिए गए आर्थिक स्थिति के बारे में पड़ताल करके बीपीएल और ओपीएच आधार के राशन कार्ड जारी करने को शुरू कर दिए हैं। सरकार द्वारा गोहाना में 1817 लोगों के नए राशन कार्ड बनाने की सूची जारी की है। इन लोगों को जून जुलाई से राशन मिलना शुरू हो जाएगा और सरकार की नई व्यवस्था में लोगों को बीपीएल ओपीएच एएवाई कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकार द्वारा उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्ड करेगी और लोगों को पहले ही गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल आधार प्रायोरिटी होल्डर्स ओपीएच और अंत्योदय अन्य योजना एएवाई के कार्ड बनवाने के लिए नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। बीपीएस द्वारा दूसरे कार्ड बनवाने को नेताओं से सिफारिश तक करवानी पड़ती थी। लोगों को कार्ड बनवाने में काफ़ी परेशानी होती थी। कुछ साधन संपन्न लोग भी बीपीएस और दूसरे कार्ड बनवाकर सरकार की योजना का नाजायज लाभ ले रहे थे। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें।